الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون درود پاک انتہائی واجب الاحترام سامعین ذی احتشام بزرگوں دوستوں نوجوان بھائیوں سات ستمبر 1974 کی مناسبت سے ماہ ستمبر میں تین جمعات المبارک کے خطبوں میں عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں بیان کی گئی
इस्लामी साल के एतबार से जो रबीउल अव्वल का महीना है, इसके पहले अशरा के अंदर खलीफा राशिद, खलीफा पंजुम हजरत सैयदना हसन मुजतबा रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत है, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक के साथ बाकी खुलफाए राशिदीन का उनके अय्याम के एतबार से खुसूसी तज़किरा किया जाता है, तो इंशाअल्लाह दो जुमातुल मुबारक के अंदर हजरत सैयदना हसन मुजतबा रदियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा होगा। आज के खुतबे जुमातुल मुबारक में हजरत के फजाइल और उनकी मनकबत के बारे में कुछ बातों का तज़किरा होगा। हजरत सैयदना हसन मुजतबा रदियल्लाहु ताला अन्हु नजीब तरफ़ैन हाशमी हैं, बाप के एतबार से भी हाशमी हैं, अपनी वालिदाए मुहतरमा की निस्बत से भी हाशमी हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई ज्यादा महबूब और इंतहाई ज्यादा प्यारे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इनको ये खसूसी शर्फ और फजीलत हासिल है कि इनको गुट्टी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी और इनका नाम हसन भी खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। इनके इसी नाम की मुनासिबत से पहली बात अर्ज करना चाहता हूं, खुद हजरत अली अल मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनकी अपनी जो मरवियात है, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्ला ने जो मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल में नकल फरमाई है, उनमें से एक रिवायत ये है, इसको आपने बड़ी तवज्जो से सुनना है और एक बहुत बड़ा मसला इंशाअल्लाह आपका हल होगा और आपको बात बड़ी समझ आएगी इंशाअल्लाह। ये मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल में 769 नंबर रिवायत है, खुद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाती है कि लम्मा वुलिद अल हसन, जब मेरे बेटे हसन पैदा हुए, सम्मैतुहु हरबन,